बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी में। तो मेरे प्रिय साथियों, आज जो हमारा वीडियो है वो है मई हॉरोस्कोप 2023 की सीरीज का नेक्स्ट वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं सिंह राशि के बारे में, यानी कि लियो जोडियक के बारे में। कैसा रहेगा सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये महीना, मई का महीना, आइए जानते हैं। और उससे पहले एक बहुत छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट कि आप हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको और मिल सकें। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले ग्रह गोचर की अगर हम बात करें तो देखिए, आपके जो राशि के लॉर्ड हैं यानी कि सूर्यदेव, वो नाइन्थ हाउस में बैठे हैं जुपिटर और राहु के साथ में, यानी कि गुरु चंडाल योग के साथ में सूर्य ग्रह बैठे हुए हैं। शनिदेव जो है आपके सेवेंथ हाउस में है, केतु ग्रह कहीं ना कहीं आपके थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं, मार्स यानी कि मंगल आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं, और कहीं ना कहीं जो शुक्र देव है वो आपके कर्म स्थान यानी कि टेंथ हाउस में बैठे हुए हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ जो है वो बहुत ही ज्यादा इस समय अच्छी रहेगी। हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हमें ज्यादा बड़ी देखने को नहीं मिल सक मिलेगी। और अगर आपको कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम चल भी रही थी सिंह राशि वाले जातकों को, तो उसमें आपको रिलीफ मिलने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। देखिए, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग जरूर हो सकता है, हमें हो सकता है कि हम थोड़ा सा ओवर थिंकिंग करें, क्योंकि जो राशि के लॉर्ड है सूर्यदेव वो कहीं ना कहीं राहु के साथ में बैठे हुए हैं। तो हो सकता है कि थोड़ा सा चिंता, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग हो, तो उससे हमें थोड़ा सा बच के यहाँ पे चलेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, ओवर ईटिंग बिल्कुल भी हमें नहीं करनी है, हमें ओवर ईटिंग से बचना चाहिए और अपने डाइजेशन का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। ओवर ईटिंग हमारी इसलिए हो सकती है क्योंकि हमारे जो खाने पीने का घर है सेकेंड हाउस, उसके जो स्वामी है वो भी राहु के साथ में बुधदेव बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा खाने पीने का हम ध्यान रखते हुए चलेंगे। स्टूडेंट्स के लिए देखिए, समय बहुत अच्छा है क्योंकि आपका जो स्टूडेंट्स के लिए जो इम्पोर्टेंट हाउस होता है वो होता है फिफ्थ हाउस, और फिफ्थ हाउस के जो स्वामी है वो इस समय नाइन्थ हाउस में बैठे हुए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। देव गुरु बृहस्पति भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो पढ़ाई लिखाई के लिए समय अच्छा है। कोई नया आप एडमिशन लेना चाहते हैं, पढ़ाई में कुछ नया करना चाहते हैं, तो समय आपके लिए अच्छा रहेगा। मैरिड लाइफ के लिए देखिए, समय बहुत ही ज्यादा अच्छा है क्योंकि जो शनिदेव है इस समय वो सेवेंथ हाउस के रूलर है, स्वामी है, और वो अपने ही घर में बैठे हैं। तो देखिए, अपने घर में बैठे होंगे तो अच्छा ही करेंगे। तो मैरिड लाइफ के लिए, लव लाइफ के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए समय बहुत अच्छा है। पार्टनर के साथ में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होगा, पार्टनर के साथ में अच्छा आपका तालमेल रहेगा। अगर आपकी विवाह की बात कहीं चल रही है तो आपका विवाह भी हो सकता है। अगर आपकी कहीं पे रिश्ते की बात चल रही है तो आपका रिश्ता पक्का भी इस समय हो सकता है। देखिए, अगर कोई आपको इम्पोर्टेंट डिसीजन लाइफ से जुड़ा हुआ लेना है तो देखिए 11 मई से पहले अगर आप लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 11 मई के बाद जो सूर्य है वो नाइन्थ हाउस से आगे बढ़कर टेंथ हाउस में आ जाएंगे। तो भाग्य स्थान में जो सूर्यदेव हैं वो 11 मई तक ही बैठे हैं। तो अगर जिंदगी से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेना चाहते हैं तो आप 11 मई से पहले लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी अगर कोई प्राइवेट जॉब है या अगर बिजनेस कर रहे हैं तो देखिए उसमें भी समय अच्छा है। कर्म क्षेत्र में, बिजनेस में, जॉब में समय अच्छा रहेगा क्योंकि कर्म क्षेत्र के स्वामी इस समय बैठे हैं, कर्म क्षेत्र में ही बैठे हैं, यानी कि जो कर्म क्षेत्र है आपका वो वृषभ राशि बन रही है और उसमें वृषभ राशि के स्वामी यानी कि शुक्रदेव ही विराजमान है। तो कर्म क्षेत्र कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। नौकरी में ग्रोथ, प्रमोशन देखने को मिल सकता है। बिजनेस भी आपका सिंह राशि वाले जातकों का अच्छा देखने को यहाँ पे मिला है। नई जॉब के चांसेस बन सकते हैं, नए प्रमोशन के चांसेस आपके बढ़ सकते हैं। सिंह राशि वाले जातकों के लिए हर रोज सुबह उठकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय सोत्रम का पाठ करें तो आपके लिए महीना बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जो सिंह राशि वाले हैं, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।